الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमु माफी अन्फुसिकुम अल्लाह जानदा है जो तुहाडे दिलां दे अंदर फहज़रू ते अल्लाह दे कोलो डरदिया रवो वालमु और जान लवो अन्नल्लाह गफूरुन हलीम बेशक अल्लाह माफ करने वाला बुर्दबार कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उथे कदी रब रहम नहीं करदा जिथे विच नीता दे खोट होवे उतो बरकता रब उठा लैंदा जिथे विच परामा दे अंजोट होवे ते चुका कदी खैर नल ओ वसिया नहीं जिथे नित दा चल दा सोट होवे ते उस गल विच कोई नफा नहीं रब्बानी जिस गल गल विच चोट होवे वाजिब उल इख्तराम सामईन मुहतरम हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन दी जात ले खास है बेशुमार ला तादाद अनगिन दरूदो सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा जनाब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते साहिबो साथियो अजीज बुजुर्गो नौजवान भाइयो ईसवी साल दा वी इख्तिताम अपनी तरफ रवा दवा है और काफी सोचो बचार के बाद
अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दा उनवान एदा इंतखाब कीता है। साल इस तो पहला भी बड़े गुजरे ने, यह भी गुजर गया है, लेकिन आखिर वजह क्या है? असी दुनियावी तौर ते भी अपने आप नूं आसान क्यों नहीं महसूस करते? मेहनत भी करने हैं, इबादत भी करने हैं, सखावत भी करने हैं, और बड़े बड़े नेक अमाल च सरे फरिश्त अल्लाह की तौफीक नाल असी हो जाने हैं, लेकिन इहदे बावजूद वो जिहड़े जिंदगी दे मैं और तुसी एक टारगेट बना के बैठे हैं, एक कामयाब खुशहाल जिंदगी दे, वो हासिल नहीं हो रहे। गौर करना है, हर बंदे ने किसी नतीजे ते पहुंचना है। लंबिया चौड़िया बातां एक तरफ रख के एक गल अज अपने आप को पूछनी है, सोचना है, इहदे ते गौर करना है, और कम अज कम रात नू लेटन लगे हां तनहाई दे अंदर जो बंदा कल्ला हुंदा है अपने बिस्तर ते, उदों जरूर सोचना है कि यार वाकियत मैं मेहनत भी बड़ी करना, कोशिश भी बड़ी करना, अल्लाह तौफीक दिंदा, मैं नमाजा पढ़ना, रोजे रखना, सदकातो खैरात करना, लेकिन मेरे मामलात के अंदर मैनू सुकून क्यों नहीं, इतमान क्यों नहीं? ते मैं ते जिस नतीजे ते पहुंचे आना, वो एक बड़ी मुख्तसर जामे तरीन बात है कि क्या असी अपने मामलात नल, अपनी इबादात विच, अपनी सखावत विच मुखलस है वा के नहीं है? पांच वक्त का बंदा नमाजी आउंदा है, इशराक पढ़ के भी जांदा है, किते शैतान उन्नू दात नहीं लांदा पिया कि उहदे दिल च गल बिठा दे कि लोकी तेरी बड़ी तारीफ करनगे, उहदी नीयत दे विच किते शैतान हमला तो नहीं करदा पिया? पैसे बड़े ने, दौलत बड़ी है, आए दिन जनाब कदी कोई गरीबां ते तकसीम किया जा रहा, राशन दिता जा रहा है, लिबास तकसीम हो रहे ने, सर्दी का मौसम बिस्तर तकसीम हो रहे ने, लोग करते हैं खुरदो नोश, अखराजात, गरीब बच्चों दीयां फीसां, उन्हां दी जरूरियात पूरी करते हैं, तो क्या है सब कुछ करदे आ करदे आ किते मेरे दिल विच ऐ गल ते नहीं आ गई कि लोग कहन भाई कमाल ही नहीं कर छड़दा, बड़ा सखी है, अल्लाह पैसे दिते ने, अल्लाह तौफीक दवे, दुआ मैं करना अल्लाह 2023 ते गुजर ही गया, मालका तेरे को दुआ करने आ 2024 विच सानू बैतुल्ला दी जरूर हाजरी नसीब फरमाए, रिज़्क़े हलाल चो अल्लाह पाक अता फरमाए। बंदा हज भी कीता है, उमरे ते भी जा रहा है, बार बार जा रहा है, और उमरे ते जाना इस दौर के अंदर 4-5 लाख रुपए दे अखराजात भी ने, एक महीना काम काज नूं छड़ना भी है, ते बैतुल्ला दा सफर करके भी आके फिर भी दिल नूं इत्मीनान ना होवे, ते गौर ते करना पेगा ना कि सफर इसलिए कीता सी कि लोकी कहन हाजी साहब ना माशाल्लाह साल च 3 दफा उमरा करके आंदे ने। अल्लाह साढ़े सारिया दिया इबादत दे अंदर इखलास पैदा फरमा दे, साड़िया नीयतां नेक अल्लाह कर दे, नीयत नेक करो, और मैं यकीन जानो ऐसे बंदियां नू बड़ियां नू जानना, दोस्त अहबाब को सुनन नू मिलता है पूरे
बिलखसूस पंजाब के अंदर तबलीग के सिलसिले चाहिए कि यार फला बंदा इनिया फैक्ट्रिया का मालक, कारखानिया का मालक, कार कोठिया का मालक, लेकिन उन्होंने सुकून कोई नहीं, जहनी सुकून कोई नहीं। उसकी वजह की है? उसकी बेसिक और बुनियादी वजह यह वे कि उस बंदे ने अपनी नीयत दे विचों नेकी नू खत्म कीता है, रब की रजा नू खत्म कीता है, ते बद नीयति की बहुत बड़ी नहूसत हुंदी जे। बद नीयति इंसान की जिंदगी नू गारत कर दिंदी जे। और ऐसे लोग फिर बुरी नीयत की वजह तो, बुरे मामलात की वजह तो इन्हां दियां जिंदगियां बदमजा हो जांदियां ने, इन्हां दे मामलात उलझ जांदे ने, इन्हां दे मामलात मुख्तलफ किस्म दे मामलात दे अंदर उलझे रहिंदे ने। क्यों? उन्हां दी सोच मुसबत नहीं। जदों बैठे ने मनफी सोच का शिकार हो गए ने, अल्लाह सानू शैतान दियां सारियां चालां तो महफूज फरमाए। कल्या बैठे ने तो फिर भी हो गए ने, दुकान ते बैठे ने फिर भी हो गए ने, राह जांदे सफर ते फिर भी हो गए, किसे को गल आ सुनाई है बगैर तहकीक कीते ही हो गए ने। ते आ जड़ियां चीजा ने ना, इन्हां तो असीं अपने आप नूं बचाण दी कोशिश करिए ते यकीन मानो कि जिंदगी अंदर सुकून आ जाएगा, जिंदगी अंदर बहार आएगी, जिंदगी अंदर इनकलाब आएगा, जिंदगी अंदर सुकून आएगा। और दुनिया ते रहिंदे आ ना, दुनिया ते रहिंदे आ, कोई दोस्त अहबाब मैनू तुहानू कह दे कि तबीयत ठीक नहीं, फला मसला है, दिल नू घुटन महसूस हुंदी है, बाजू थक जांदा है, ते हर बंदे की कहना है हाफ साहब, पाजी, हजरत जी, नमाजी जी, हाजी साहब, यार अपना चेकअप करवाओ, अपने टेस्ट करवाओ। असी कहने यार बंदा बड़ा खैर खाए, वाकया तन मैनू टेस्ट करवाने चाहिए ने, लापरवाही इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मैं अपने आप नू सरे फरिश्ते तुहानू भी कहना, जिन्नियां नेकियां करदे हो जरा अपनी नीयत नू चेक करो, उहदे भी टेस्ट करवाओ। मैं अपनी नीयत वेखां, तुसी अपनियां नीयतां वेखो, तुसी अपने दिल दे मामला जानदे हो, रब जानदा, मेरे मेरे रब जानदा। अपने आप नू ना कदी इखलास वाला इंजैक्शन ला के वेखिए कि किन्नी कु साडे अंदर रब की मुहब्बत ते इखलास मौजूद है, मेरे अंदर किन्ना कु इस बात की तड़प मौजूद है। आइए वक्त बड़ा मुख्तसर है, कुरान पाक दे चंद मुकाम ते गौर फरमाना। रब्बुल आलमीन दा कुरान ना बार बार कह रहा है, लो चंद कुरान पाक दे मुकाम ते चंद हदीसां ते गल नू किसे नतीजे ते पहुंचिए। अल्लाह पाक दे कोल दुआ करिए, अल्लाह ऐ जिन्ने तेरे बंदे बंदियां आ गए ने इन्हां दे घरां ते अपनियां रहमतां बरकतां दे नज़ूल फरमा दे, बीमारियां तो, मजबूरियां तो, परेशानियां तो, तंग दस्तियां तो, गुरबतां तो अल्लाह सानू महफूज फरमा दे। कुरान की कह रहे हैं, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम वाजरूहु वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। कुरान बाग सूरतुल बकरा है, बड़ी तवज्जो ना तशरीफ रखिया करो, एक एक मिनट तुहाडा मेरे को अमानत है, मैं अल्लाह दे फजल अमानत अदा करना चाहना। फरमाया वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम, लोको कायनात जान लो, दुनिया ते रहिंदे आ बंदा बड़े तो बड़ा मुबल्लिग बन जांदा है, मुकरर बन जांदा है, सौवां नहीं हजारां नू खिताब करदा है, लखां नू खिताब करदा है, लोग वाह वाह ते बल्ले बल्ले कमाल कमाल करदे ने। अल्लाह फरमांदे ने वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम, मैं पहला गल ही अपने शोबे तो करना वा, ओए खतीबो, ओ मुकररीन, ओ उलमा, तुसी भी जान लो तुहाडे दिलां दे हालात तो रब वाकवे, तुसी दीन दी तबलीग ते बाद ए दुनिया दी गर्द ना करदे पे हो, दुनिया दे मताली करदे हो, या रब
ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਵਅਲਮੂ ਅੰਨੱਲਾਹ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਤਹਜਦਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ਼ਰਾਕਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਅਲਮੁ ਅੰਨੱਲਾਹ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਓਏ ਸਖਾਫਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਜ਼ਰੂ ਆ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਅਲਮੁ ਅੰਨੱਲਾਹ ਗਫੂਰੁਨ ਹਲੀਮ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਣ ਲਵੋ ਅਗਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵਅਲਮੁ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਸਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਡਟ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰ ਲਵੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਦਬਾਰ ਹੈ ਆਓ ਲੋਗੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣਨਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਲਾਹੀ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਵਾ ਇਨ ਤੁਬਦੂ ਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਔ ਤੁਖਫੂ ਯੁਹਾਸਿਬੁਕੁਮ ਬਿਹਿਲਾ ਵਾ ਯਗਫਿਰੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵਾ ਯੁਅਜ਼ਿਬੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲਿ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਆਖਰੀ ਰੁਕੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੈਸ ਲਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਲਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਦੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐ ਲਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਲਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਦੀ ਘਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ਿ ਐ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ਿ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਥੋੜਿਆਂ ਥੋੜਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰਾ ਮਨਸਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ਿ ਵਇਨ ਤੁਬਦੂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਔ ਤੁਖਫੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਲੋ ਯੁਹਾਸਿਬੁਕੁਮ ਬਿਲਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇਗਾ ਭਈਆ ਫਿਰੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਵਯੁ ਅਜ਼ਿਬੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਪਕੜ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲਿ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ
अल्लाह दी जात हर चीज ते कादर है। लोग इख्तियार अल्लाह दे खोल ले जदों कुरान दा मुकाम नाज़िल होया मेरे पैगंबर दे सियापा ते तड़प गए ने ओह ते परेशान हो गए ने नबी अलैहि सलाम दे कोल आए ने कहिंदे ने अल्लाह दे नबी जी ना चांदिया चांदिया वी कदी दिल विच गुनाह दी चाह ते आ जांदी है सोने अल्लाह ओहदे ते पकड़ भी करेगा सोने उसी ते हलाक हो गए। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फिर अपनी जुबान ने नबुव्वत तो फरमाया फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत दे उतो दर गुजर कर दिता है। अल्लाह वसवसियां ते पकड़ नहीं करेगा लेकिन अगर कोई बंदा कर लवेगा अगर ओहदे ते डट गया गुनाह ते फिर अल्लाह पाक जो चाहे फैसले करन दे कादर है। आओ लोगो कुरान पाक दा तीसरा मुकाम सुन लवो रब्बे कायनात दा कुरान इसे बात दियां दुहाइयां दे रहा है इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान उतर गया है फरमाया वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और लोगो अल्लाह जानदा जे जो तुहाडे दिलां दे हालात ने नेकी करदियां की हालात ने कोई भी काम कर दे दुनिया दे चाहे दीन दे कोई भी तुहाडा मामला है किस मामले नू क्यों कर दे पे हो अल्लाह जानदा जे। मैं तुहानू धोखा दे सकना तुसी मैनू धोखा दे सकदे हो लेकिन वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम कायनात दे रब नू कोई धोखा नहीं दे सकदा अल्लाह पाक जानदे तुहाडे दिलां दे हालात नू फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह पाक ते अल्लाह दी जात सब को जानन वाली ते हिकमतां वाली है। लोग कुरान पाक दा चौथा मुकाम सुन लवो अल्लाह फरमांदे ने कुल इन तुगफू माफी सुदूरकुम औ तुबदू या अलमुल्लाह व या अलमु माफी समावाती व माफिल अर्जी वल्लाहु अला कुल शैए इन कदीर। रब्बे कायनात दा कुरान कह रहे है मेरे पैगंबर ले सलाम ते कुरान उतरे आए आका मदीना है पाक दे अंदर ने नबी पाक दे कोई सहाबा इकराम अंसारे मदीना पहला मदीने रह रहे ने उन जेड़े मदीने दे यहूद ने उन्ना ना इन्ना दे दोस्ता ना ताल्लुकात ने उन्ना दे बड़े करीब ने नबी पाक दे कुरान नाज़िल होया फरमाया सोने अपने सहाबा नू कह दे ओ नाम अल्लाह जी की कहना है फरमाया लायत्तखिज़ल मुअमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन मोमिना नू छड़ के उन्हां काफरां नू क्यों दिली दोस्त बनांदे हो क्यों उन्हां नाल दिली मुहब्बत रखदे हो क्यों दिली ताल्लुक रखदे हो क्योंकि कोई काफिर कदी मोमिन दा हकीकी दोस्त नहीं सकदा वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलिया ओ बाज़िन यामुरूना बिल मारूफे व यनहूना अनिल मुनकरी व युकीमूना सलाता व युतूना ज़कता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु ओलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मोमिन मोमिना दे दोस्त हुंदे ने मोमिन काफिरां दे दोस्त नहीं हुंदे मोमिन मुशरकां दे दोस्त नहीं हुंदे मोमिन गैर मुसलमान दे हकीकी दोस्त नहीं हुंदे। फरमाया सोनेओ कह दियो कुल इन तुगफु माफी सुदूरकुम औ तुबदु या अलमुल्ला अगर तुसी छुपा के लुका के उन्हां नाल मुहब्बतां पालोगे अल्लाह पाक फिर भी जानदा है अगर जार कर दियो ते अल्लाह
ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਆ ਅਲਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੁਜਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਈਅਨ ਕਦੀਰ अल्लाह हर चीज ते कादर है। आओ लोगों जो रब ने कानून बना दिता है जो रब ने असूल बना दिता है ओनू अपनाओ जिंदगी बसर करो। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है मैं ते कुरान पाक दी वर्गदानी कीती है सूरत अनफाल दी कहते करीमा पढ़ी है। अगर कोई बंदा कैद दे अंदर है अगर कोई बंदा मुश्किल दे अंदर है अगर कोई बंदा पबंदे सलासल है अगर कोई बंदा जेल दे अंदर है अगर कोई बंदा पकड़िया गया है कैदा दे हालात दे अंदर अपनी नीयत नू नेक कर लेंदा है। अल्लाह मेरे को जुर्म हो गया आइंदा मैं जुर्म नहीं करांगा। अल्लाह मेरे को ए गलती होई ते मैं जेल दी काल कोठरी जाया। अल्लाह मेरे को ए गुनाह होया ते मैनू पबंदे सलासल कीता गया मैनू हवाला च डकिया गया। अल्लाह मैं इखलास नाल नेक नीति नाल तौबा करना वा मैं जेल तो छुट जाण तो बाद इंज दे ऐलान नहीं करांगा जेलां चो इंज दे पैगाम नहीं करांगा। एक बारी छुट गया ते आके तुहाडे को बदले ले लवांगा इंज दियां गल्लां नहीं करदा बल्कि रब दे कोलों भी माफियां मंगदा है जिहदे नाल जुल्म कीता है उहदे को भी माफियां मंगदा है उहदे नाल भी रजू करना चाहुंदा है अपने दिल नूं नरम कर लैंदा है नेकी नीयत दे अंदर पैदा कर लैंदा है इह रब नाल प्यार पा लैंदा है। इस जेल दे कोलों इस पाबंदी दे कोलों पाबंदे सलासत दे कोलों इन्हां काल कोठरिया तो यह बंदा सबक हासिल करदा है तौबा करके ते रब दी तरफ आ जांदा है रब नूं भी मना लैंदा है ते कुरान पता जे की कहिंदा है जिस वक्त बदर दे कैदी आए ने इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए 70 जड़े बदर दे कैदी ने आपने फरमाया फिदिया दे के आजाद हो जाओ। पता जे इन्हां कैदियां विच नबी पाक दे बड़े करीबी रिश्तेदार भी आए ने नबी दा चचा अब्बास भी कैदी बने है हजरत अली दा भाई अकील भी कैदी बने है नबी दा दामाद अबुल आस भी कैदी बने है। अबुल आस ने हार भेजे है नबी पाक ने सियाबा दे मशवरे नाल हार भी वापस कीता है सियाबा दी इजाजत अपने दमाद नूं भी आजाद कीता है। जनाबे अब्बास नूं कहा गया अपना फिदिया दे अपने सके भतीजियां दा फिदिया दे जनाबे अब्बास ने अजे कलमा नहीं पढ़िया कहिंदे ने मेरे को ते शै कोई नहीं मैं इन्ने पैसे किवें दे सकना वा ते मेरे पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने चाचा इंज दी गल ना कर मैनू रब ने जबरील दे जरिए दस दिता है जदों तू बदर विच निकलिया सै उम्मे फजल अपनी बीवी नूं कह रहे है बहुत बड़ा खजाना ही घर दी चौकड़ दे थल्ले दफन करन लगा अगर मैं वापस ना आया ते घर दा निजाम चला लई बच्चियां दी तरबियत कर लवी घर दा जना मामला सही रखी मेरे चाचा मैनू मेरे रब ने ओ गल दस दित्ती है। जनाबे अब्बास फरमांदे ने सोनिया अज मेरे दिल ने गवाहियां दे दित्तियां ने वाकिया ही तू रब दा रसूल है ओ गल मेरी ते मेरी बीवी दे अलावा कोई नहीं जानदा तेनू रब ने वही दे जरिए दस दी है। जनाबे अब्बास ने एक 100 उकिया सोना दिता है एक 100 उकिया सोना जदों दे दिता है ते जनाबे अब्बास ना हुण बंदे दी इन्नी बड़ी दौलत अचानक चली जाए बंदा मायूस हुंदा है थोड़ा परेशान हुंदा है लेकिन आसमान तो कुरान आ गया है या अय्यो अन्नबियो कुल मन फी अईदीकुम मिन अल असरा या अलमिल्ला फी कुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ा मिनकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम।
मेरे सोने पैगंबर अली सलाम जी ऐलान फरमा के कह दियो इन्हां कैदियों नूं कह दियो ओए कैदियो जिहड़े बदर दे कैदी फिदिया दिंदे पे हो अलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ा मिनकुम व यग़फिर लकुम फिदिया तुहाडे कोल लिया जा रहा है परेशान ना होवो अगर अज तो बाद फिदिया दे के तुहाडे दिल विच खैर पैदा हो जाएगी तुहाडी नीयत विच नबी पाक दी मुखालफत मुक जाएगी इस्लाम दी मुखालफत छड़ दवोगे अल्लाह पाक तुहानू इस दौलत दे नालों कई गुणा अजीम दौलत इस्लाम दी अता फरमा देवेगा। कैदी बंदा कैदी ओ नीयत नेक करे ते खैर इन्नी मिलदी है। आए कैदी ने नबी पाक दा कलमा पढ़ के ते सहाबियत दे शरफ नूं पहुंच गए ने। नीयत नेक कैदी करे ते नेक नीति दे फायदे बड़े ने। जे नेक नीयत आलमे दीन करे ते दीन दी तबलीग दे अंदाज वखरे ने। जे नेक नीति नमाजी कर लवे दीन फैलाम दे अंदाज वखरे ने। नेक नीति सखी कर लवे फिर नेकी दी खुशबू वखरी है। जे नेक नीति अल्लाह दे सामने जनाब बड़ा इज्जो इनकसारी करन वाला कमाकू ओदे दिल विच नीयत नेक हो जाए ओदी नेकी दी बहार ते खुशबू आएगी है। क्योंकि कुरान जेड़े नीता नेक करके नेकियां करदे ने अल्लाह पाक उन्हां नूं पता है बरकतां की दिंदा है। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहज़ादे हसनो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नती नौजवानां दे सरदार हसनैन करीमैन बुखार दी लपेट बीमारी आ गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा सैयदा फातिमा ने सैयदा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला नूं मने इन्हां नीयत कीती नजर मनी है अल्लाह साडे बेटियां नूं सेह दे देवेगा असीं अल्लाह दी रज़ा लई तीन रोज़े रखांगे नजर मन लईए। एक गल होर भी याद रखिया करो कोई अकीदे दी गल भी दिल ते लेके लजाया करो नजर हमेशा अल्लाह पाक दी फरमा बरदारी दी मननी है कदी गुनाह ते ना फरमानी दी नजर नहीं मननी चाहिदी। कोई नजर नहीं मेरा बेटा कामयाब होएगा मैं पैदल फिरांगा सर्दियां ते बीमार होवांगा कोई नजर नहीं बाबा जी दी दरगाह ते पैदल जलील हुंदिया जाना है नजर मन जे मनना भी चाहना अल्लाह रहमत कीती मैं बड़े खुश हूं दस नफल पढ़ांगा मैं इन्ने पैसे गरीबां ते खर्च करांगा मैं अल्लाह वालियां दी खिदमत करांगा मदारस ना तामन करांगा जिहाद दे रस्ते ते पैसे दवांगा मैं खाने खिलावांगा नेकी दी नजर मन कायनात इमाम पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा नजर मन्ने उन्हूं नेकी दी मन्नी चाहिदी है ना फरमानी दी नजर ना मन्ने। मैं तिरमिज़ी दी हदीस पढ़ी है नबी ले सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने ना फरमानी दी अल्लाह पाक दी मसीहत दी नजर मन्नी है ओदे ते कफारा लागू हुंदा कफारतु कफारतु यमीन नबी पाक फरमांदे ने एदा कफारा भी उंजे जिवें कसम दा कफारा है। दस बंदिया कपड़े लैके दे या दस बंदिया खाना खिलाए तो या तीन दिन फिर रोजे रखे लोकी तो जो मर्जी नजर मनी फिर दे ना। नजर एक इबादत है और इबादत सिर्फ रब की जात लई खास है। नजर भी अल्लाह लई ते नियाज भी अल्लाह लई नजर अल्लाह नियाज हुसैन के अशरक कर जाना है इमाम दी बर्बादी कर जाएगा दुनिया ते गुजरी जानी है
आओ लोगों की दिया दी सलाह करो, नजर मनी है, अल्लाह ने सेहत दे दी है, दोना रोजा रखे है, अफतारी दा वक्त है, दरवाजे ते साहिल आया, मिसकीन आ भूख लगी है, खाना है ही पूरा जे, इनू दे दियो पानी पी के अफतारी है, दूजे दिन मैं जी यतीम खाना इनू दे दियो, तीसरे दिन मैं कैदी खाना इनू दे दियो, तीन दिन पूरे हो गए, आसमान तो रब ने सारा मंदिर वेखे आए, नबी दे सीने ते कुरान उतर आया, बंदे जेड़े ने लोकां नूं खाने खिलांदे ने ते रब दी रजा लई, मैं जो खाना रब नूं राजी करन लई खवाना है, मेरे लो छोटा खाए वड्डा खाए मैनू की इस गल, मेरा मिशन तेरा बनू खुश करना है ना, नमाजी खाए बेनमाजी खाए, मैं चाहना यार ये बेनमाजी है, मैं दी दावत करना इनू अपने नाल ना नम सीते लैके आऊंगा, गल ते मेरी नीयत दी है ना, गल ते नीयत दी है, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فَاعْذَرُوا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ कुरान दे कुर मुकाम सुनो, अल्लाह फरमांदे ने वासायु जन्नबु हल अतका अल्लाजी युती मालहू यतजक्का वमाली आदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजदा इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी जहन्नम तो भी उन्हां नूं बचाने आ जेड़े माल खर्च सिर्फ मेरी रजा लई करदे ने। जमहूर मुफस्सरीन ने कहा कि इस तो मुराद जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी जात है रज़ी अल्लाह ताला। पहले मिस्ताक ने पता है जनाबे अबू बकर ने की कीता है, सात गुलाम आजाद कीते ने, आमर बिन फुहैरा भी शामिल, सैयदना बिलाल भी शामिल ने। मैं सीरत दियां बड़ियां किताबां पढ़दा रहिंदा, हदीस पढ़दा रहिंदा, मैनू अपने 17 साल इस खुतबा जुमा दे अरसे दे अंदर एक गल भी नहीं मिली कि इन्हां सत्तां कोलों अबू बकर ने कदी जाती काम लिया होवे, कदी ये गल नहीं मिली। मेरे सिद्दीक ने सान जतलाया होए और बिलाल मेरी गल मने अगर मैं तेरे पैसे भरे ने, खर्च करते ने जिन्हां जान दे भी कोई नहीं, रसीद मेरे सामने पई है, जिन्हां तावन कीता है नहीं पता कौन कित्थों आया है, क्योंकि ओना खर्च कायनात दे रब लई कीता है। ऐ किस्मतां वाले लोग ने अजनबियां ते भी खर्च करते ने, परायां ते भी खर्च करते ने, वमाली फैसला आ गया और मेरी रजा लई पैसे खर्च करने, अजनबियां ते खर्च करने, मुसाफरां ते खर्च करने, राहगीरां ते खर्च करने, खाने खवाने, बिस्तर दिने, जनाब सफीरा ना तावन करने, जा मेरे बंदे तूनू जानदा भी नहीं, आलीशान खाना खवाया ओनू जानदा भी नहीं, प्रोटोकॉल रिश्तेदारां तो वाद दित्ता है, मेरा मेहमान समझ के वाला सौफा यरजा मेरे कोल आएगा, मैं भी तेनू खुश करके ते जन्नत अता कर देंगा। वालमू अन्नल्लाह 235 नंबर ऐप दा आखरी जोद मेरा वस चले तेरी पिशानी ते लिख दिया, वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फाजरू वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम।
ਕਰੀਮ ਉਥੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਵੇ ਉਥੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਵੇ ਉਥੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਅੰਜੋ ਟੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਗਾ ਕਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਚੱਲਦਾ ਸੋਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੋ ਬਿਨਿਆਤ ਵਾ ਇਨਮਾਲ ਖੁੱਲ ਮਰ ਇਮਾਨਵਾ ਵਾ ਮਨ ਕਾਨਤ ਹਿਜਰਤੁਹੁ ਇਲੱਲਾਹ ਵਾ ਰਸੂਲਹੀ ਵਾ ਹਿਜਰਤੁਹੁ ਇਲੱਲਾਹ ਵਾ ਰਸੂਲਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਅਮਾਲ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਤੇ ਨੀਤਾ ਦੇਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਲ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਿਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨੱਲਾਹ ਲਾ ਯੰਜ਼ੁਰੂ ਇਲਾ ਸੁਵਾਰੀਕੁਮ ਵਾ ਅਮਵਾਲੀਕੁਮ ਵਲਾਕਿਨ ਯੰਜ਼ੁਰੂ ਇਲਾ ਕੁਲੂਬੀਕੁਮ ਵਾ ਆਮਾਲੀਕੁਮ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਰੱਬ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਫੇਦ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਲਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਚ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਚ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਓਟਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੀ ਹੁਕਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਵੇ ਚੱਲਣਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਨਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖੀ ਏ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਔਰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਨਫਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੇਂਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਨਫਲ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਾਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਏ ਲੋ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਏ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਹਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਦੱਸਣ ਲਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਬੜੇ ਮਤਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਪਹਿਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਏ
अल्लाह ने दौलत दिती है, परहेजगार भी है, इबादत गुजार भी है, ते माल भी खर्च कर दे। ए तीन नेकियां भी ने ते तीन अजाफी काम भी कर दे। हमेशा नेकियां करके भी अल्लाह को डरदा रहिंदा है। इलमे दौलत माले शोरते वयासिलो राहिमा, रिश्तेदारा ना सिला रहमिया करदा है, रिश्तेदारा नू हकीर नहीं समझदा, उन्हना दे मिजाक नहीं उड़ांदा, उन्हना दिया गुरबतां दे हासे नहीं करदा, बल्कि हो सकदा ते उन्हना दा मुदावा बनदा, उन्हना ना तावन करदा। ते तीसरे नंबर ते ए अल्लाह पाक दे हक भी अदा करदा रहिंदा। फरमाया ए आला तरीन किस्म दा बंदा, ते दूसरी किस्म दा ओ बंदा। इलम अल्लाह ने दिता है, नेकी भी दिती है, परहेजगारी भी दिती है, मगर दौलत वाफर एदे कोल नहीं। कहिंदा अल्लाह जे मेरे को दौलत आउण जिवें तेरा अनेक ते सखी बंदा खर्च कर दे, मैं भी इंजी खर्च करा। दिलों गल कर दे दिलों। ते मैं हदीस दे अल्फाज पढ़े, तिरमिज़ी दे अल्फाज, फअजरुहुमा सवाउन। आका फरमांदे ने ओ जिन्ना खर्च करन वाले नू अल्लाह अजर देगा, ओना नेक नीति वाले नू अजर देगा। नीयत नेक कर लो, बड़े फायदे जे, बड़े नफे जे, बड़ी भलाई जे। छड़ दो मुसबत मनफी सोचा नू, मुसबत सोचा इख्तियार करे। अगर एवी जिंदगी मुखालफ च पाल के जाया ना कर, एवी जिंदगी नू बर्बाद ना कर। आका फरमांदे ने तीजा ओ बंदा है मेरे से आपा, ये देखो इलम भी नहीं, इबादत भी नहीं, मगर दौलत बड़ी है, अयाशी कर दे, बदमाशी कर दे, और यानी कर दे, फहाशियां कर दे, ये मनमानी दी जिंदगी गुजार दे, ये बदतरीन बंदा है। ते चौथी किस्म दा बंदा है, इलम भी नहीं, दौलत भी नहीं, माल भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये दिल च ख्वाहिश है मेरे को पैसे होन, ते मैं भी उंजी कवां करा जिवें फलाना फरमान कर दे। मेरे को पैसे होन ना, ते जिवें उन्हें अपने पुत्र दे व्याह दे बेइज्जती कीती, मैं डबल करांगा, लग पते जाने। इंज दे इरादे रख दे, वो अयाशी दी जिंदगी गुजार दे। आका फरमांदे ने एदी बदनीति दी वजह तो अल्लाह एदी ओदे नाल पकड़ कर लवेगा। वालमु अन्नल्लाह यालमु माफी अनफुसिकुम फाजारूहु वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। लोगो नियत नेक होवे अल्लाह पाक बड़े लांदा है, नियत नेक होवे अल्लाह पता है किंज दे अजर दिंदा है। मैं हदीस पढ़ीए, इमामे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अपनी नियत दे विचो अपने ज़हन चो आखरत नु पसे पुष्ट कर भुल जांदा है, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दे दिमाग च चलती रहिंदी है, कभी सोचिया नहीं रब सामने भी जाना है। आप फरमांदे ने मन कानत नियत दुनिया फर्रक अल्लाह अलैहि ज़ियतहु वजाला फकर बैन ऐनही वलम यातही इल्ला मा कुतिब लहु। ये जेड़ा बंदा है नबी पाक दे फरमान सुनिया करो, अल्लाह दी कसम खुतबे जुमे दा मकसद ये वे नबी दी तलीम बयान होवे ते लोग इस्लाह कर लैन। इस्लाह वास्ते हुंदे ने, कोई किसे नू लड़ाण लई नहीं हुंदे, तनकीद नहीं होंगे, उधर ना जाया जे बच्चे उधर ना। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मोमिन मोमिना दे दोस्त होंगे ने, मोमिन काफिरां दे दोस्त नहीं होंगे, मोमिन मुशरकां दे दोस्त नहीं होंगे, मोमिन गैर मुसलमान दे हकीकी दोस्त नहीं होंगे। फरमाया सोने ओ कह दो कुल इन तुखफु माफी सुदूरकुम औ तुबदु यअलमुहुल्लाह। अगर तुसी छुपा के लुका के उन्हां नाल मुहब्बतां पालोगे, अल्लाह पाक फिर भी जानदा है। अगर जार कर दो
ते अल्लाह फेर भी जानदा है। फरमाया वा या अलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, अल्लाह पाक तुहाडे दिल ते को जान, अल्लाह पाक नाम जो कोई जमीन व आसमान दे अंदर, अल्लाह सब कुछ ही जानदा है। क्योंकि वल्लाहु अला कुल शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज ते कादर है। आओ लोगों, जो रब ने कानून बना दिता है, जो रब ने असूल बना दिता है, ओनू अपनाओ, जिंदगी बसर करो। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, मैं ते कुरान पाक दी वर्गदानी कीती है, सूरत अनफाल दी कहते करीमा पढ़ी है। अगर कोई बंदा कैद दे अंदर है, अगर कोई बंदा मुश्किल दे अंदर है, अगर कोई बंदा पाबंदे सलासल है, अगर कोई बंदा जेल दे अंदर है, अगर कोई बंदा पकड़िया गया है, कैदा दे हालात दे अंदर अपनी नीयत नू नेक कर लेंदा है। अल्लाह मेरे को जुर्म हो गया, आइंदा मैं जुर्म नहीं करांगा। अल्लाह मेरे को ऐ गलती होई ते मैं जेल दी काल कोठरी जाया। अल्लाह मेरे को ऐ गुनाह होया ते मैनू पाबंदे सलासल कीता गया, मैनू हवाला च डकिया गया। अल्लाह मैं इखलास नाल नेक नीति ना तौबा करना वा, मैं जेल तो छुट जाम तो बाद इंज दे ऐलान नहीं करांगा, जेलां चो इंज दे पैगाम नहीं करांगा। एक बारी छुट गया ते आके तुहाडे को बदले ले लवांगा, इंज दियां गल्लां नहीं करदा, बल्कि रब दे कोलों वी माफियां मंगदा है। जिहदे नाल जुलम कीता है उहदे को वी माफियां मंगदा है, उहदे नाल वी रजू करना चाहुंदा है, अपने दिल नूं नरम कर लैंदा है, नेकी नीयत दे अंदर पैदा कर लैंदा है, इह रब नाल प्यार पा लैंदा है। इस जेल दे कोलों, इस पाबंदी दे कोलों, पाबंदे सलासत दे कोलों, इन्हां काल कोठरियां तों इह बंदा सबक हासिल करदा है, तौबा करके ते रब दी तरफ आ जांदा है, रब नूं वी मना लैंदा है। ते कुरान पता जे की कहिंदा है, जिस वक्त बदर दे कैदी आए ने इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये 70 जड़े बदर दे कैदी ने, आपने फरमाया फिदिया दे के आजाद हो जाओ। पता जे इन्हां कैदियां विच नबी पाक दे बड़े करीबी रिश्तेदार भी आए ने, नबी दा चाचा अब्बास भी कैदी बने है, हजरत अली दा भाई अकील भी कैदी बने है, नबी दा दमाद अबुल आस भी कैदी बने है। अबुल आस ने हार भेजी है, नबी पाक ने सहाबा दे मशवरे नाल हार भी वापस कीता है, सहाबा दी इजाजत अपने दमाद नूं भी आजाद कीता। जनाबे अब्बास नूं कहा गया अपना फिदिया दे, अपने सके भतीजियां दा फिदिया दे। जनाबे अब्बास ने अजे कलमा नहीं पढ़िया, कहिंदे ने मेरे को ते शै कोई नहीं, मैं इन्ने पैसे किवें दे सकना वा। ते मेरे पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने, चाचा इंज दी गल ना कर, मैनू रब ने जबरील दे जरिए दस दिता है, जदों तू बदर विच निकलिया सै उम्मे फजल अपनी बीवी नूं कह रहे है, बहुत बड़ा खजाना ही घर दी चौकड़ दे थल्ले दफन करन लगा, अगर मैं वापस ना आया ते घर दा निजाम चला लई, बच्चियां दी तरबियत कर लवी, घर दा जना मामला सही रखी। मेरे चाचा मैनू मेरे रब ने उह गल दस दित्ती है। जनाबे अब्बास फरमांदे ने, सोनिया अज मेरे दिल ने गवाहियां दे दित्तियां ने, वाकई ही तू रब दा रसूल है। उह गल मेरी ते मेरी बीवी दे अलावा कोई नहीं जानदा, तेनू रब ने वही दे जरिए दस दिती है। जनाबे अब्बास ने 100 उकिया सोना दिता है, 100 उकिया सोना जदों दे दिता है। जनाबे अब्बास ना हुण बंदे दी इन्नी बड़ी दौलत अचानक चली जाए, बंदा मायूस हुंदा है, थोड़ा परेशान हुंदा है, लेकिन आसमान तो कुरान आ गया है, या अय्यो अन्नबियो कुल मन फी अईदीकुम मिनल असरा या अलमिल्ला फी कुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ा मिनकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
मेरे सोने पैगंबर अली सलाम जी ऐलान फरमा के कह दियो इन्हां कैदियां नूं कह दियो ओए कैदियो जिहड़े बदर दे कैदी फिदिया दिंदे पे हो अल्लाह फी कुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ा मिनकुम व यग़फिर लकुम फिदिया तुहाडे को लिया जा रहा है परेशान ना होवो अगर अज तो बाद फिदिया दे के तुहाडे दिल विच खैर पैदा हो जाएगी तुहाडी नीयत विच नबी पाक दी मुखालफत मुक जाएगी इस्लाम दीआं मुखालफतां छड़ दवोगे अल्लाह पाक तुहानू इस दौलत दे नालों कई गुणा अजीम दौलत इस्लाम दी अता फरमा देवेगा। कैदी बंदा कैदी ओ नीयत नेक करे ते खैर इन्नी मिलदी है। आए कैदी ने नबी पाक दा कलमा पढ़ के ते सहाबियत दे शरफ नूं पहुंच गए ने। नीयत नेक कैदी करे ते नेक नीति दे फायदे बड़े ने। जे नेक नीयत आलमे दीन करे ते दीन दी तबलीग दे अंदाज वखरे ने। जे नेक नीति नमाजी कर लवे दीन फैलाम दे अंदाज वखरे ने। नेक नीति सखी कर लवे फिर नेकी दी खुशबू वखरी है। जे नेक नीति अल्लाह दे सामने जनाब बड़ा इज्जो इनकसारी करन वाला कमाकू ओदे दिल विच नीयत नेक हो जाए ओदी नेकी दी बहार ते खुशबू आएगी है। क्योंकि कुरान के जेड़े नीता नेक करके नेकियां करदे ने अल्लाह पाक उन्हां नूं पता है बरकतां की दिंदा है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहज़ादे हसनो हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा जन्नती नौजवानां दे सरदार हसनैन करीमैन बुखार दी लपेट बीमारी आ गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा सैयदा फातिमा ने सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम ने इन्हां नीयत कीती नजर मन्नी है अल्लाह साडे बेटियां नूं सेहत दे देवेगा असीं अल्लाह दी रज़ा लई तीन रोज़े रखांगे नजर मन लईए। एक गल होर भी याद रखिया करो कोई अकीदे दी गल भी दिल ते लेके लजाया करो नजर हमेशा अल्लाह पाक दी फरमा बरदारी दी मननी है कदी गुनाह ते ना फरमानी दी नजर नहीं मननी चाहिदी कोई नजर नहीं। मेरा बेटा कामयाब होएगा मैं पैदल फिरांगा सर्दियां ते बीमार होवांगा कोई नजर नहीं। बाबा जी दी दरगाह ते पैदल जलील हुंदिया जाना है नजर मन जे मनना भी चाहना है। अल्लाह रहमत कीती मैं बड़े खुश हूं ना दस नफल पढ़ांगा मैं इन्ने पैसे गरीबां ते खर्च करांगा मैं अल्लाह वालियां दी खिदमत करांगा मदारस ना तामन करांगा जिहाद दे रस्ते ते पैसे दवांगा मैं खाने खिलावांगा नेकी दी नजर मन कायनात इमाम पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा नजर मन्ने उन्हूं नेकी दी मन्नी चाहिदी है ना फरमानी दी नजर ना मन्ने। मैं तिरमिज़ी दी हदीस पढ़ी है नबी ले सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने ना फरमानी दी अल्लाह पाक दी मसीहत दी नजर मन्नी है ओदे ते कफारा लागू हुंदा कफारतुहु कफारतु यमीन। नबी पाक फरमांदे ने एदा कफारा भी उंजे जिवें कसम दा कफारा है। दस बंदियां नूं कपड़े लैके दे या दस बंदियां नूं खाना खिलाए ते या तीन दिन फिर रोजे रखे लोकी तो जो मर्दी नजर मनी फिर दे ना। नजर एक इबादत है और इबादत सिर्फ रब की जात लई खास है। नजर भी अल्लाह लई ते नियाज भी अल्लाह लई नजर अल्लाह नियाज हुसैन के यहां शिरक कर जाना है इमाम दी बर्बादी कर जाएगा दुनिया ते गुजरी जानी है
आओ लोगों कीदियां दी सलाह करो। नजर मनी है, अल्लाह ने सेह दे दिती है, दोना रोजा रखे है, अफतारी दा वक्त है, दरवाजे ते साहिल आया, मिसकीन आ भुख लगी है, खाना है ही पूरा जे है, इनू ही दे दियो, पानी पी के अफतारी है। दूजे दिन मैं जी यतीम, खाना इनू दे दियो। तीसरे दिन मैं कैदी, खाना इनू दे दियो। तीन दिन पूरे हो गए, आसमान तो रब ने सारा मंदिर वेखे आए, नबी दे सीने ते कुरान उतर आए, बंदे जेड़े ने लोकां नू खाने खिलांदे ने ते रब दी रजा लई। मैं जो खाना रब नू राजी करन लई खवाना है, मेरे लो छोटा खाए वड्डा खाए, मैनू की इस गल लगी। मेरा मिशन ते रब नू खुश करना है ना। नमाजी खाए बेनमाजी खाए, मैं चाहना यार ये बेनमाजी है, मैं दावत करना इनू अपने नाल ना ना मसीते लैके आऊंगा। गलते मेरी नीयत दी है ना, गलते नीयत दी है। وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فَاعْذَرُوا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ। कुरान दे कोर मुकाम सुनो, अल्लाह फरमांदे ने वासायु जन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व माली आदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजदा इल्ला बतिगा वजह रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी जहन्नम तो भी उन्हां नू बचाने आ जेड़े माल खर्च सिर्फ मेरी रजा लई करदे ने। जमहूर मुफस्सरीन ने कहा कि इस तो मुराद जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी जात है रज़ी अल्लाह ताला। पहले मिस्ताक ने पता है जनाबे अबू बकर ने की कीता है? सात गुलाम आजाद कीते ने, आमर बिन फुहैरा भी शामिल, सैयदना बिलाल भी शामिल ने। मैं सीरत दियां बड़ियां किताबां पढ़दा रहिंदा, हदीस पढ़दा रहिंदा। मैनू अपने 17 साल इस खुतबा जुमा दे अरसे दे अंदर एक गल भी नहीं मिली कि इन्हां सत्तां कोलों अबू बकर ने कदी जाती काम लिया होवे। कदी ये गल नहीं मिली। मेरे सिद्दीक ने सान जतलाया होए, और बिलाल मेरी गल मने अगर मैं तेरे पैसे भरे ने। वासायु जन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व माली आहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजदा। माल उन्हां ते खर्च करदे ने जिन्हां नूं जानदे भी कोई नहीं। रसीद मेरे सामने पई है, जिन्हां तावण कीता है नहीं पता कौन कित्थों आया, क्योंकि उन्हां खर्च कायनात दे रब लई कीता है। ऐ किस्मतां वाले लोग ने अजनबियां ते भी खर्च करदे ने, परायां ते भी खर्च करदे ने। व माल फैसला आ गया, और मेरी रजा लई पैसे खर्च करना, अजनबियां ते खर्च करना, मुसाफरां ते खर्च करना, राहगीरां ते खर्च करना, खाने खवाना, बिस्तर दिना, जनाब सफीरां ना तावन करना। जा मेरे बंदे, तू जानदा भी नहीं, आलीशान खाना खवाया ओनू जानदा भी नहीं, प्रोटोकॉल रिश्तेदारां तो वध दित्ता है, मेरा मेहमान समझ के वाला सौफा यरजा मेरे कोल आएगा, मैं भी तेनू खुश करके ते जन्नत अता कर देंगा। वालमु अन्नल्लाह 235 नंबर ऐप दा आखरी जोद मेरा वास चले तेरी पिशानी ते लिख दिया। वालमु अन्नल्लाह यालमु माफी अनफुसिकुम फाजरू वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम।
करीम ओते रब कदी रहम नहीं करदा जिथे विच नीता देखो टोवे ओते रब कदी रहम नहीं करदा जिथे विच नीता देखो टोवे ਉਥੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਅੰਜੋ ਟੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਗਾ ਕਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਟੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੋ ਬਿਨਿਆਤ ਵਾ ਇਨਮਾਲ ਖੁੱਲ ਮਰ ਇਮਾਨਵਾ ਵਾ ਮਨ ਕਾਨਤ ਹਿਜਰਤੁਹੁ ਇਲੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲਹੀ ਵਾ ਹਿਜਰਤੁਹੁ ਇਲੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਅਮਾਲ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ते नीता देवे हर बंदे नू ओही मिलेगा जो ने नियत कीती है हिजरत बहुत मुश्किल अमल है बड़ा अजमैश वाला अमल है दीन दी खातर घर भी छड़ जाना है इलाका वतन छड़ जाना है सब कुछ छड़ के दूजे इलाके चला जाना है आप फरमांदे ने अगर हिजरत विच भी रब दी रजा नहीं ते रब ओदा भी अजर नहीं देवेगा सही मुस्लिम अबू हुरैरा बयान करते ने रज़ी अल्लाहु ताला इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम फरमाया लोगो अल्लाह तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदा रब दौलतां नहीं वेंदा अल्लाह दिलां दे हालात वेंदा ते तुहाडे अमाल वेखदा है ते बड़ा खूबसूरत है रंग एदा बड़ा सफेद है जमाना बुलाव कहिंदा कुरान कहिंदा आपी भी जहन्नम च ते बीवी भी जहन्नम च रंग दा काला मोटे मोटे ओंटा वाला है आप फरमांदे ने बिलाल जी आमिना दे लाल की हुकम अली सलाम जी सोनिया की करना है मैं आसमाना ते गया वा तू चलना जमीन चवे चलना मदीने चे ते आवाज रब दी जन्नत चाहुंदा है बिलाल कहिंदे ने अल्लाह दे नबी जी ए मेरे सोने पैगंबर जी मैं जदों भी वुजू करना मैं दो नफल जरूर पढ़ना पिछले दिनों ने एक बहुत बड़े जमात दे आलमे दीन ने मैं नाम नहीं लेंदा कहिंदे ने कि मैं बड़ी गुरबत वेखी है अज सब तो कीमती तरीन गाड़ी और घर और मालो दौलत बड़ा है कहिंदे ने मैं पूरी जिंदगी जिदन दी हदीस पढ़ी है मैं वुजू दे दो नफल नहीं छड़े ते रब ने इज्जत अता कीतियां नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह सूरत नहीं वेंदा अल्लाह पाक ते तुहाडे दिल वेंदा दिलां दे टेस्ट करदा है बड़े नफल पढ़दा पे है इहदे दिल विच इरादे की ने बड़ियां सखावतां करदा है इहदे दिल दे ख्याल की ने बड़े वाद करदा है बड़ा जोशीले खिताब करदा है इहदे दिल दे हालात की ने अल्लाह तुहाडे दिलां दे हालात वेखदा है लो तिरमिज़ी दी इक हदीस सुनो दिलो दिमाग ते नू लिख लिया जे क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम ने जदों अपने सहाबां नू बयान कीती है आपने भी फरमाया सहाबा मैं तुहानू ऐसी हदीस दसन लगा इहनू कदी ना भुलाया जे सहाबा बड़े मतवजे होए आप फरमांदे ने सहाबियो दुनिया ते चार किस्म दे लोग हुंदे ने एक किस्म पहली अल्लाह ने इलम दिता है अल्लाह ने इबादत दिती है
अल्लाह ने दौलत दी है, परहेजगार भी है, इबादत गुजार भी है, ते माल भी खर्च कर दे, ए तीन नेकियां भी ने ते तीन अजाफी काम भी कर दे। हमेशा नेकियां करके भी अल्लाह को डरदा रहिंदा है। इलमे दौलत माले शोहरत वयासिलो राहिमा रिश्तेदारा ना सिला रहमियां करदा है, रिश्तेदारा नू हकीर नहीं समझदा, उन्हां दे मिजाक नहीं उड़ांदा, उन्हां दियां गुरबतां दे हासे नहीं करदा, बल्कि हो सकदा ते उन्हां दा मुदावा बनदा, उन्हां नाल तावन करदा। ते तीसरे नंबर ते अल्लाह पाक दे हक भी अदा करदा रहिंदा। फरमाया ए आला तरीन किस्म दा बंदा है, ते दूसरी किस्म दा ओ बंदा है। इलम अल्लाह ने दिता है, नेकी भी दिती है, परहेजगारी भी दिती है, मगर दौलत वाफर एदे कोल नहीं। कहिंदे अल्लाह जे मेरे को दौलत आउण जिवे तेरा अनेक ते सखी बंदा खर्च कर दे, मैं भी इंजी खर्च करा। दिलों गल कर दे दिलों। ते मैं हदीस दे अल्फाज पढ़े, तिरमिज़ी दे अल्फाज, फअजरुहुमा सवाउन। आका फरमांदे ने ओ जिन्ना खर्च करन वाले नू अल्लाह अजर देगा, ओना नेक नीति वाले नू अजर देगा। नीयत नेक कर लो, बड़े फायदे जे, बड़े नफे जे, बड़ी भलाई जे। छड़ दो मुसबत मनफी सोचा नू, मुसबत सोचा इख्तियार करे। अगर एवी जिंदगी मुखालफ च पाल के जाया ना कर, एवी जिंदगी नू बर्बाद ना कर। आका फरमांदे ने तीजा ओ बंदा है मेरे से आपा ये देखो, इलम भी नहीं, इबादत भी नहीं, मगर दौलत बड़ी है, अयाशी कर दे, बदमाशी कर दे, और यानी कर दे, फहाशियां कर दे, ए मनमानी दी जिंदगी गुजार दे, ए बदतरीन बंदा है। ते चौथी किस्म दा बंदा है, इलम भी नहीं, दौलत भी नहीं, माल भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ए दिल च ख्वाहिश है मेरे को पैसे होन ते मैं भी उंजी कवां करा जिवें फलाना फरमान कर दे। मेरे को पैसे होन ना ते जिवें उन्ने अपने पुत्र दे व्याह दे बेइज्जती कीती मैं डबल करांगा, लग पते जाने। इंज दे इरादे रख दे, वो अयाशी दी जिंदगी गुजार दे। आका फरमांदे ने एदी बदनीति दी वजह तो अल्लाह एदी ओदे नाल पकड़ कर लवेगा। वालमु अन्नल्लाह यालमु माफी अनफुसिकुम फाजारूहु वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। लोगो नियत नेक होवे अल्लाह पाक बड़े लांदा है, नियत नेक होवे अल्लाह पता है किंज दे अजर दिंदा। मैं हदीस पढ़ी है, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अपनी नीयत दे विचों अपने ज़हन चो आखरत नू पसे पुष्ट कर भुल जांदा है, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दे दिमाग च चलती रहिंदी है, कभी सोचिया नहीं रब सामने भी जाना है। आप फरमांदे ने मन कानत नियत दुनिया फर्रक अल्लाह अलैहि ज़ियतहु वजाला फकर बैन ऐनिहि वलम यातहि इल्ला मा कुतिब लहु। ये जेड़ा बंदा है नबी पाक दे फरमान सुनिया करो, अल्लाह दी कसम खुतबे जुमे दा मकसद ये वे नबी दी तलीम बयान होवे ते लोग इस्लाह कर लैन। इस्लाह वास्ते हुंदे ने, कोई किसे नूं लड़ाण लई नहीं हुंदे, तनकीद लई नहीं हुंदे। उधर ना जाया जे बच्चे उधर।